ऊंचो करके छाते बाना दो तीन ईटे रखे के ऊपर रखे फोकस कत्तो रे बराबर करे जाइए भावना रखे थे तो भावना पड़ी है खाली ना तो फिर ले करने जी के फिर आज मुझे मालूम तुम करके ना पीछे चलियो तो मुझे चलो आगे सीधे करूंगा मैं चलो भाई ले चलो पहले भावना का अब वीडियो चालू हुई कितने में चालू करी तिलक का इधर लोगों तेरे सही ना लोगों किन्हें लगाओ मंडे मुझे तो बहुत ज्यादा मिले घूमे हुए लहरों तक अरे हटे हट अमौलिया हिले गाड़ी जाना इतना चल रही हाय करते हो हाय करते हो अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए बिल्कुल फोकस बताओ ना दा मेरा फोटो अड़िए ने पल जिया को फोटो ले लें किन को जा को अरे सीधे पर ए तो पाली ए सिमानी जा अरे चलो कदर काटे लोगों ने चौकी पटा रसी डाल दो पटाने का चौकी लगे अपने की मम्मी को बाहर बुला लेन कौन खुल गए तो पहला वचन क्या मांगा था आप सुने कन्या कहे कि हे पति तीर्थ यात्रा धंधा रोजगार करने के लिए आप मेरी सलाह करें तो मैं आपके बाहर ना कन्या कहती है काशी ऋषि के हरिद्वार पुण्यनगर वृंदावन कहीं भी जाना हो तो आप मेरी सलाह से जाएं तो मैं आपके बाहर ना आएंगे तब शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती जी मैंने आपका यह वचन स्वीकार किया बोले स्वीकार है दिव्यम नारायण गौरी करते समय पर कन्या चरम जीवनम
ओम ज्ञात में स्वा पितरों को पूजो तो मैं आपके बायंग आएंगे। कन्या कहती है कोई भी कथा भागवत यज्ञ पुराण कोई भी कार्य करें तब भी अपनी धर्म पत्नी से आज्ञा लेके करें ना करें तो बोलिए आपका मुझे यार ना बड़ा मैं सभी होगा। यदि कुटुंब परिवार गाय क्यों खींच रहे यार सभी होगा लाइट पहले बड़ा लाइट। कन्या कहती है गाय है भैंस है हाथी है घोड़ा है तो कोई धन सही दोनों जने की सलाह लेके बेचने खरीदनी चाहिए अकेले नहीं। तब शिव जी बोले कि हे पार्वती जी मैंने आपका यह वचन भी स्वीकार किया। बोले स्वीकार धन ध्यान में लाभ खर्च ने मुझे दूसरे घर में पूछ कर रखे तो मैं आपके बाएं आएंगे। तब शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती मैंने आप कन्या कहती है कहीं मंदिर बनवाना है कहीं बनवाना है कोई भी कार्य करें बताओ बाबा लिपा। पार्वती जी बोली आपका मुझे यह वचन भी स्वीकार है। बोलिए स्वीकार चेंजिंग जब नारायण गौरी करते समय पर कन्या चरण देखा तब शिव जी फिर कहने लगे कि प्रथम हाथी अपनी विष्णु हो तथा दूसरे पति देख रहे हो तो पत्नी को अपने पति पर नहीं जाए। तब शिव जी कहने लगे कि श्री महालक्ष्मी पूजा करते समय इस पर यह हाथी पूजा करती है। तब शिव जी ने कहा कि वो समय को छोड़कर जा सकती है। तब पार्वती जी बोली आपका मुझे यह वचन भी स्वीकार है। मुझे स्वीकार है। तब शिव जी ने फिर कहा कि स्त्री को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सती जी की तरह भी तुम्हारा भी अपमान होता है। तब पार्वती जी बोली जब भाई के स्त्री के लड़का पैदा होता है तो बहन खबर पाते ही जाती है और बिना बुलाए को भैया दोज को भी रक्षाबंधन को भी जाती है। तब शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती जी पति से मैके वालों से विरोध ना चलते होते हैं तो पत्नी को हर्ष पूर्वक जा सकती है। तब शिव जी तब पार्वती जी बोली आपका मुझे यह वचन भी स्वीकार है। बोली स्वीकार है। तब शिव जी ने फिर कहा कि